भाई कुछ दिन से ये रील्स इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से वायरल चल रहा है, जो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप भी बना सकते हो, वो भी एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एडिटिंग से स्टार्ट करके एकदम पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलो जल्दी से हम बना लेते हैं, उसके लिए चलते हैं हम फोन के स्क्रीन पर। ओके, फोन के स्क्रीन पर आने के बाद डायरेक्ट आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर इधर आपको सर्च करना है वीपीएन। वीपीएन सर्च करने के बाद ये जो टर्बो वीपीएन है ना, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से वीपीएन कनेक्ट करना है एंड मिनिमाइज कर देना है। करने के बाद आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद इधर आपको लिखना है बीट। बीट लिखना है। बीट लिखने के बाद आपको 5x5 लिखना है। 5x5 लिखने के बाद ANS टेम्पलेट इन कैपकट, ऐसे आपको पूरा लिखना है। जो आप दिख रहे हो ना, ऐसे आपको पूरा लिखना है। जब पूरा लिखोगे तभी आपका आएगा। जब आप सर्च करोगे तो इस टाइप की इंटरफेस आएगा। जो फास्ट लिंक है, जो आप देख सकते हो, ये फास्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। फास्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद इस टाइप की इंटरफेस आएगा, जो आप देख सकते हो। एंड इधर फास्ट में जो हमारा जो टेम्पलेट है वो दिख रहा है। एंड जो इधर है यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पहले होगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो नहीं होता। तो इधर से अगर डेस्कटॉप मोड है तो उसको ऑफ कर लेना है। कुछ इस तरह से ऑफ कर दोगे तो इधर कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, जो आप देख सकते हो। इधर आपको कुछ इस तरह से कंटिन्यू ऑप्शन आएगा। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तभी आपका जो टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ओपन हो रहा है। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है जिस वजह से टाइम लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और आपको कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो देखते हैं। तो देख सकते हो ओपन हो चुका है। बस इधर जो आपको दिख रहा है यूज टेम्पलेट, तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फोटोज पर जाकर जल्दी से कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं सब फोटो सिलेक्ट कर लिया। अभी बस आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना है। और बहुत सारे वैल्यू का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सॉन्ग नहीं मिलता। तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप वीडियो को स्किप मत करना। तो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। एक बार प्ले करता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। एंड हमारा वीडियो जो है ना वो कम्प्लीट बन चुका है। अब इसको बस एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अगर विदाउट वाटरमार्क ऑप्शन आ गया तो उस पर क्लिक कर देना। तो हमारा वीडियो सेव हो चुका है। बस आपको सिंपली बस मिनिमाइज कर देना है। सॉन्ग का जो लिंक है कुछ इस तरह से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करना है। जो मेन जो सॉन्ग है वो ओपन हो जाएगा। इधर से आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद आपको रील्स पर जाना है। तो आपने उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको म्यूजिक पर जाना है एंड आपको सेव पर जाना है। सेव पर जाने के बाद जो सॉन्ग आपने सेव किया वो इधर ही रहेगा। तो ऐसे आपको बस वो सॉन्ग ऐड कर देना है। तो हमारा सॉन्ग ऐड हो गया और सॉन्ग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर से आप डायरेक्ट इधर आ सकते हो। और फिर भी सॉन्ग नहीं मिला तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाना, इधर मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और आप इस चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।